दोस्तों स्वागत है आपका आईपीएल 2020 के लिए। किंग्स इलेवन पंजाब की जो टीम है वो कर चुकी है अपनी पूरी तैयारी। बहुत ही तगड़ा स्क्वाड किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने बनाया है। लेकिन दोस्तों यहां पर आईपीएल 2020 से पहले कुछ बड़े सवाल भी किंग्स इलेवन पंजाब के सामने बने हुए हैं, और ऐसे ही तीन बड़े सवालों की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों कौन से है वो तीन सवाल बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी आईपीएल के फैन कर रहे हैं, आईपीएल 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको क्या लग रहा है दोस्तों, क्या किंग्स पंजाब की टीम जीत सकती है आईपीएल 2020 का टाइटल? आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। सबसे पहला जो सवाल है वो है दोस्तों इनके विकेट कीपर को लेकर कि कीपिंग कौन करता हुआ हमें नजर आएगा। दो यहां पर बड़े ऑप्शन है, निकोलस पूरन और केएल राहुल। दोनों ही दोस्तों यहां पर विकेट कीपर बैट्समैन है। केएल राहुल को हम देख रहे हैं यहां पर इंडिया के लिए लगातार कीपिंग कर रहे हैं। निकोलस पूरन लास्ट ईयर कीपिंग करते हुए नजर आए थे। ऐसे में आईपीएल 2020 में कौन कीपिंग करेगा, ये बड़ा सवाल है किंग्स इलेवन पंजाब के सामने। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, क्या केएल राहुल ही कीपिंग करेंगे या फिर निकोलस पूरन जो है कीपिंग करते हुए हमें नजर आएंगे? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। दूसरा बड़ा सवाल जो है वो है दोस्तों नंबर 8 के स्लॉट को लेकर। इनका प्लेइंग 11 काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन नंबर 8 जो है इनकी बड़ी कमजोरी नजर आ रही है। जहां पर इस समय अगर हम इनके स्क्वाड को देखें, प्लेइंग 11 बनाए, तो जे सुचित जो है हमें नंबर 8 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर दोस्तों इनके अलावा कोई बड़ा नाम नंबर 8 के लिए नहीं है। तो ये बड़ा सवाल किंग्स इलेवन पंजाब के सामने की नंबर 8 पर जो है वो कौन खेलेगा। और तीसरा बड़ा सवाल है दोस्तों यहाँ पर फोर्थ फॉरनर प्लेयर को लेकर की चौथा फॉरनर प्लेयर जो है वो कौन होने वाला है। जहां पर दोस्तों इनके तीन फॉरनर प्लेयर बिल्कुल कंफर्म है। सबसे पहले क्रिस गेल ओपन करेंगे, मैक्सवेल यहां पर, इनके बाद निकोलस पूरन। लेकिन चौथा फॉरनर प्लेयर कौन होगा ये बड़ा सवाल है। जहां पर दो ऑप्शन है टीम के पास, मुजीबुर रहमान और सेल्डन कॉटरेल। मुजीबुर रहमान दोस्तों एक रिस्ट स्पिनर है जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किंग्स इलेवन पंजाब के लिए किया है। वहीं सेल्डन कॉटरेल को ये टीम इस साल खरीद कर लाई है काफी बड़े अमाउंट में। ऐसे में इन दोनों में से कौन इनका फर्स्ट चॉइस होने वाला है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है किंग्स इलेवन पंजाब के सामने। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, मुजीबुर रहमान खेलेंगे या फिर सेल्डन कॉटरेल? आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। तो दोस्तों ये तीन बड़े सवाल बने हुए हैं किंग्स इलेवन पंजाब के सामने, जिनका जवाब उन्हें ढूंढना है आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग से पहले। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।